हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं। ठीक है, कहता है कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सेलेक्ट द बेस्ट चॉइस ऑफ द रिप्रेजेंट द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, प्रोडक्ट हमें बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए लिया हुआ इथाइल सल्फाइड आयन है, तो इथाइल सल्फाइड आयन जो है ये एक प्रकार से स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसा रिएक्शन करवाता है? SN2 रिएक्शन करवाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि SN2 रिएक्शन अगर होता है तो SN2 रिएक्शन में जो अटैक होता है वो बैक अटैक होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मतलब दिया हुआ है, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये बात तो समझना होगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के ऊपर में हो जाएगा CH3 और नीचे में क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर देखिए हाइड्रोजन हो जाएगा इस तरफ और ब्रोमीन को ले जाएंगे इस तरफ। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हाइड्रोजन डैश पर है, ऐसे देखिए, अब आप ऐसे देखिए तब समझ में आएगा कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर डैश पर है इस तरह से, तो इसका मतलब ये ब्रोमीन वेज पर है, ऐसा कुछ, ऐसा ही है ना? ठीक है, और जो अटैक होता है वो हर हमेशा बैक अटैक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रोमीन अगर वेज पर है तो ब्रोमीन के तरफ से तो होगा नहीं ना। ठीक है, तो अब अटैक जो है किधर से होगा? डैश के तरफ से होगा। इसका मतलब ये है कि H और Br में ही आपस में एक्सचेंज होने वाला। तो ये जो SCH2CH3 है ये जो है कहाँ से? इस तरफ से अटैक करेगा, इस तरफ से ये यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक करेगा तो इसका मतलब SCH2CH3 चलाएगा कहाँ पर? डैश पर आएगा, और H कहाँ पर जाएगा? वेज पर जाएगा। तो देखिए पहचानते हैं, H होना चाहिए वेज पर और SCH2CH3 होना चाहिए डैश पर, और बाकी जैसा अरेंजमेंट है वैसा ही होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑप्शन में साइक्लोपेंटेन पर भी अटैक किए हुआ है। भाई साइक्लोपेंटेन से कोई मतलब ही नहीं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पर देखिए ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो अटैक ऑफ साइट जो है वो केवल यही कार्बन है, तो यहीं पर होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी और डी है ये तो ऐसे ही फालतू बनाया गया। ठीक है, तो इसका ए और सी में जो है फाइनलाइजेशन होना है, तो ए और सी में जो है यहाँ पर देखिए फ्रंट अटैक किया है। फ्रंट अटैक मतलब जहां पर ब्रोमीन था वहीं पर जोड़ दिया, ऐसा तो होगा नहीं। SN2 में हमेशा बैक अटैक होता है। बैक अटैक मतलब अगर ये वेज पर है, प्लेन से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि इसको प्लेन के नीचे से आना होगा। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।